नमस्कार, मैं तन्मय गौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका निर्वाण योग में। अक्सर जब लोग हमसे मिलते हैं तो उनका यही सवाल होता है कि हम योग करना तो चाहते हैं परंतु शुरुआत कहां से करें। इसीलिए हम आज की वीडियो लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सूक्ष्म व्यायाम। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य ये हैं कि आपको तैयार किया जाए आगे के योगाभ्यास के लिए, जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद आदि। सूक्ष्म व्यायाम को सरल अर्थों में ऐसे समझा जा सकता है कि ये हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है, या फिर इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे सिर के सबसे ऊपरी भाग से लेकर हमारे पैर के सबसे निचले भाग को प्रभावित करता है। इसकी तीन मुख्य बातें ये भी हैं कि पहली, जो हम क्रिया कर रहे हैं उसे सांसों के साथ बांध कर करना होगा। सांस का ध्यान रखेंगे तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन लेवल बढ़ेगा। दूसरी बात, जो भी हम प्रत्येक अंग के लिए क्रिया कर रहे हैं उसी अंग पर हमें ध्यान लगाना होगा। और तीसरी बात, जिस अंग पर हम ध्यान लगा रहे हैं क्रिया करते समय वही अंग लचीला व मजबूत बनेगा। सूक्ष्म व्यायाम का जीवन में बड़ी भूमिका है। वैसे योगासन व प्राणायाम के लिए पूर्व तैयारी में इनको करते हैं। इसे प्रतिदिन करना शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। इससे शरीर हल्का होता है व जोश बढ़ता है। यहाँ तक कि एक बच्चे से लेकर जवान से लेकर वृद्ध व रोगी भी इसे कर सकते हैं। असल में कुल मिलाकर 48 यानी 48 सूक्ष्म व्यायाम है, लेकिन हम आज की वीडियो में आपको कुछ मुख्य सूक्ष्म व्यायाम करवाएंगे जो हमारे शरीर के कुछ मुख्य अंगों पर जाकर उन्हें प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तैयार होंगे सूक्ष्म व्यायाम के लिए। दोनों पैरों को जोड़कर खड़े हो जाएं, अपनी कमर को ऊपर की ओर खींचकर सीधी रखें, दोनों हाथ को नमस्कार मुद्रा में रखें, अपने चेहरे को बिल्कुल शांत, अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें, आपके मस्तक पर यानी माथे पर किसी प्रकार का तनाव न हो। इस क्रिया का नाम है उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि क्रिया। इसके लिए सीधे खड़े हो जाएं। अब अपनी नासिका से क्षमता अनुसार तेज व जोर से सांस लें और छोड़ें। ध्यान रहे इसका असर आपको गले में महसूस होना चाहिए। और यह क्रिया थायराइड व गले की अन्य समस्याओं के लिए भी लाभकारी साबित होती है। 10 से 15 सेकंड इस क्रिया को करने के पश्चात कुछ देर विश्राम करें। यह क्रिया है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। सबसे पहले अपनी गर्दन को श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं। यहीं से गहरी व तेज श्वास और प्रश्वास करें। ये क्रिया करने से बुद्धि यानी माइंड और धृति यानी विल पावर में विकास होता है। इस क्रिया को करने से मस्तिष्क में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बढ़ता है और हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ती है। ध्यान रहे आंखें खुली रहे, और यदि चक्कर की परेशानी आ रही है तो इस क्रिया को बैठकर भी किया जा सकता है। यह है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का पहला भाग। इसमें अपनी गर्दन को बाएं से दाएं व दाएं से बाएं घुमाएंगे। ध्यान रहे दोनों साइड जाते हुए आप प्रश्वास करें और बीच में आते हुए आप श्वास भरें। कोशिश करें आप अपनी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा पीछे ले जाएं। इस क्रिया को करने से आपकी गर्दन की जकड़न व अकड़न दूर होती है। आपकी आंखें खुली रहें। 5 से 10 चरण पूरे करने के बाद धीरे से विश्राम करें। यह है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया का दूसरा भाग। श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर व पीछे लेकर जाएं और प्रश्वास करते हुए अपनी गर्दन को आगे व नीचे लेकर आएं। ध्यान रहे श्वास भरते हुए कोशिश करें आपकी गर्दन ज्यादा से ज्यादा पीछे जाए और प्रश्वास करते हुए कोशिश करें कि आपकी चिन आपकी चेस्ट से टच हो। इस क्रिया के भी 5 से 10 चरण दोहरा जाएं। यह है स्कंध तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया।
अपनी दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए अपनी कोहनियों को सीधा करेंगे, अपने मुख को चोंच की भांति बनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा श्वास भरेंगे, अपने श्वास को रोकते हुए जालंधर बंद लगाएंगे और अपने कंधों को ऊपर व नीचे करने का प्रयास करेंगे। इस क्रिया से फ्रोजन शोल्डर तथा कंधों से जुड़ी हुई कई समस्याओं से निवारण मिल जाता है। ध्यान रहे आपकी श्वास रुकी रहे। जब आपसे श्वास न रुके तो दोनों हाथों को सामने लाते हुए प्रश्वास कर दें। मणिबद्ध शक्ति विकासक क्रिया। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कंधों के बराबर उठाएं, अपने अंगूठों को अंदर रखते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं और कलाई को ऊपर नीचे चलाएं। ये क्रिया करने से आपकी कलाई मजबूत होती है। ये पहला भाग है। दूसरे भाग के लिए अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर खींचें। ध्यान रहे आपकी कोहनी व कंधे एक ही लाइन में हों। कलाई को चलाते रहें। 20 से 25 बार चलाने के बाद विश्राम करें। वक्षस्थल विकासक क्रिया। इस क्रिया के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, कोहनी सीधे रखते हुए अपनी ऊपरी आधी कमर को पीछे लेकर जाएं और फिर धीरे से वापस आएं। ध्यान रहे श्वास भरते हुए आप पीछे जाएंगे और प्रश्वास करते हुए आप आगे आएंगे। ये क्रिया हमारी लंग कैपेसिटी और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और इस क्रिया से हमारी कमर का थोरैसिक पार्ट भी लचीला बनता है।